हेलो बच्चों, हमने अभी तक एक लेक्चर की हमने बात कर ली है। अब हम सेकेंड लेक्चर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। एक बार मैं टाइम नोट कर लूँ, टाइम है 10:46। ओके, तो बच्चों हम जो बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे हम, ठीक है। थोड़ा मैं इसको सब कर देता हूँ। चलिए, अब हम जो लेक्चर की बात करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में और चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाले हैं। तो पहले मैं दो वर्ड की बात करूँगा, चार्ज और नेट चार्ज। दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक वर्ड है मेरे पास चार्ज और एक वर्ड है मेरे पास नेट चार्ज। नेट चार्ज, तो बच्चों मेरे पास एक वर्ड क्या है, चार्ज, और दूसरा वर्ड क्या है, नेट चार्ज। श्योर? चलिए देखते हैं चार्ज और नेट चार्ज की बात क्या होती है। अगर मैं कोई एटम फॉर्म करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए कोई भी एटम रैंडम में ले लेता हूँ, कोई इमेजरी कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ कि लाइक दिस इज एटम और इस एटम के अंदर ऑर्बिट है, ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है और यहाँ पर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में प्लस प्लस और डॉट डॉट, 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा होगा आपने, ठीक है। बहुत सारे प्लस और डॉट हो सकते हैं। प्लस का नाम है प्रोटॉन, जो आप जानते हो, और डॉट का नाम है न्यूट्रॉन। और इसके यहाँ पर जो है वो है इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा है न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। चलो, जो एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं अमाउंट ऑफ चार्ज, ध्यान रखना, ऑन वन प्रोटॉन, कि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आंसर है 1.6 × 10^19 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूं अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10^19 कूलम, ठीक है। दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वैसे 10th का ही पॉइंट है, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, तो आंसर है 1.6 × 10^19 कूलम, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10^19 कूलम। ये होता है प्लस का और ये होता है माइनस का। तो एक चीज तो क्लियर है कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या सेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। तो कई सोचते हैं कि नेगेटिव है, लाइक अ नेगेटिव, हम बोलते हैं ये नेगेटिव है तो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव बोल देते हैं, और ये पॉजिटिव है तो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव बोल देते हैं कि ये पॉजिटिव थिंकिंग का है, ये नेगेटिव थिंकिंग का है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थिंकिंग का है और प्रोटॉन पॉजिटिव थिंकिंग का है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रैंडमली दे दिया गया है क्योंकि दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। तो एक को रैंडमली हमने कंसीडर कर लिया है पॉजिटिव और दूसरे को कंसीडर कर लिया है नेगेटिव, उनके बिहेवियर के वे पे नहीं, सिर्फ इस वे पे कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिहेवियर करते हैं। तो किसी एक को आपने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया तो एक को आपको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, श्योर, इसलिए हमने कर लिया है। अच्छा, कई स्टूडेंट को अब एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सिंपली क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, प्रोटॉन पे जो चार्ज है प्लस है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का है, देखो यहाँ पर ध्यान से देख देख लो आप, तो क्वेश्चन ये है किस पे चार्ज ज़्यादा है। तो कोई आंसर दे देते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज ज़्यादा होगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। बट बच्चों मैंने अगेन बोला कि बिहेवियर अलग है, उसको शो करने के लिए एक को प्लस और एक को माइनस आप बोल रहे हो, ठीक है, बट अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों पर सेम ही है। तो ध्यान रखना, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोटॉन पर है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, दोनों का बिहेवियर अलग है। यहाँ पे प्लस और माइनस का मीन जो है वो नंबर के बेस पे मत लेना कि प्लस जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी वाली होती है और नेगेटिव जो होता है वो कम क्वांटिटी। बोलते हो ना कि +10 और -10, तो नो डाउट ये ज़्यादा है, यहाँ पर वो बिहेवियर मत लेना
यहाँ पे प्लस और माइनस नेचर बता रहे हैं, ना कि क्वांटिटी बता रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की जो वैल्यू है कौन सी ज़्यादा है, तो दोनों पे वैल्यू सेम ही है, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम नहीं है, प्लस माइनस सिर्फ उसका नेचर बता रहा है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म है। समझ में आया इतना आपको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, ठीक है। कंसिडर कर लो कि ये कार्बन था। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट भी बोलूँगा, जैसे मैंने इलेवेंथ में आपको एक एक वर्ड डेली में थी, वैसे नहीं बता पाऊंगा फिलहाल मैं आपको, तो आपको खुद भी थोड़ा बहुत आपका बेसिक सही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 6612 बोलता हूँ, केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, तो ये अगर ये एक एटम है, ठीक है, किसका एटम है, वो है कार्बन का, सिंगल कार्बन का, तो नो डाउट आपको पता होगा कि अगर मैं इसको बनाता हूँ तो ये मेरा न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है और ये एटम है, राइट। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आप एक एटम लेते हो C6H12, तो इसमें 6 प्रोटॉन होने वाले हैं, प्लस से प्रोटॉन दिखा रहा हूँ मैं, और 6 ही न्यूट्रॉन होने वाले, डॉट को न्यूट्रॉन से दिखा रहा हूँ, और 6 ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। क्या ये सही है, कन्फर्म? तो 6 ये होने वाले हैं। अब C6H12 का मतलब आपको पता होना चाहिए, जब मैं न्यूक्लियस पढ़ा रहा हूँगा तब वहाँ पर थोड़ा बहुत समझा दूंगा मैं, वैसे आपको पता होना चाहिए चीज़ 10th के बेस पे भी और केमिस्ट्री के बेस पे भी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछता हूँ कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देखो ये बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूरा 10th चैप्टर को इन्फ्लुएंस करेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज किसमें, C6H12 वाले में, एक हाइड्रोजन एक कार्बन एटम में, तो आप लिखोगे भाई कितने प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन, तो कितने प्रोटॉन है, तो आंसर है प्रोटॉन जो है वो 6 है, और एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, तो आंसर है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो टोटल कितने हो गए, तो हो गया 9.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बन के एक जो कार्बन है आपका, एक कार्बन एटम C6H12, आइसोटॉप जो चेंज होता है उसकी बात नहीं कर रहे फिलहाल, C6H12 की बात कर रहे हैं, तो C6H12 जो कार्बन एटम है उसमें अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है। ध्यान सुनना, अमाउंट ऑफ, वैसे है तो बहुत सिंपल चीज लेकिन यहीं पे बहुत गड़बड़ होती है, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो आंसर है 9.6 × 10⁻¹⁹। अगर आपसे इसी में पूछे कि अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आपसे पूछे, तो आप लिखोगे 9.6, वही लिखोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी 6 ही है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो आप लिखोगे 9.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। श्योर बच्चों, ये प्लस का और ये माइनस का हो गया। तो जब हम चार्ज की बात कर रहे होते ना कि चार्ज बताओ, तो आप दो टर्म की बात कर रहे हो, तो या तो वो पॉजिटिव चार्ज पूछ रहा होता है या नेगेटिव चार्ज पूछ रहा होता है, श्योर। बट अगर आपसे वो नेट चार्ज पूछता है, नेट चार्ज, तो ध्यान रखना कि वो दोनों का टोटल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दोनों का टोटल पूछ रहा है, तो पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव है, तो प्लस का 9.6 × 10⁻¹⁹ कूलम और माइनस का 9.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, दोनों को ऐड किया, आंसर हो गया 0, तो नेट चार्ज 0। तो जब आपसे चार्ज पूछा जाए तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज पूछा जा रहा है या नेगेटिव चार्ज पूछा जा रहा है, बट नेट चार्ज पूछा जाए तो दोनों को ऐड करके बताना होगा। और इसका सिंपल तरीका ये भी है कि बिना कैलकुलेट करके भी आप नेट चार्ज बता सकते हो। क्या करना है आपको, आपको सिर्फ देखना है, मुझे बताओ कितने प्रोटोन है, 6 प्रोटोन, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो जितना चार्ज प्रोटोन पे उतना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे। आप सीधा बोलोगे सिंपली वे में कि भाई 6 प्रोटोन के अमाउंट ने 6 इलेक्ट्रॉन के अमाउंट को काट दिया, तो नेट चार्ज बचेगा ही नहीं। बट अगर कोई बच जाता, जैसे अगर मैं बोलता कि 5 प्रोटोन है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 प्रोटोन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो 5 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज काट देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो आप डायरेक्ट आंसर बोलते हैं −1.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज है। कुछ आइडिया समझ में आ रहा है? बताता हूँ मैं, फिलहाल आपको दो वर्ड समझ में आ गया कि चार्ज और नेट चार्ज का क्या मीन्स है। तो चार्ज पूछे तो या तो वो इंडिविजुअली पॉजिटिव चार्ज पूछ रहा है या नेगेटिव चार्ज पूछ रहा है, बट अगर वो क्या पूछता है, नेट चार्ज पूछता है, तो दोनों का सबमिशन पूछ रहा होगा। श्योर, ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं।
चले बच्चों। अच्छा अब एक क्वेश्चन होता है कई बार, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, सिंपल सा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेट चार्ज, नेट चार्ज। ठीक है, तो पहला होता है पॉजिटिवली, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, सेकेंड है नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड है न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना ये किसके बेस पर है बच्चों, ये बेस है नेट चार्ज के बेस पर, चार्ज के बेस पर नहीं है। अब पॉजिटिवली चार्ज क्या है, एग्जांपल के लिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिया और इसपे 6 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं कंसीडर कर रहे हैं, 6 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो आप मुझे बताओ पॉजिटिव अमाउंट ज्यादा है या नेगेटिव। तो सिंपल से अगर आप देखो तो 6 प्रोटॉन है, मैंने क्या बोला जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव सेम हो जाएगा, दोनों एक दूसरे काट देंगे। अब यहां पर मैं देखूं तो आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव कितना है, तो आप लिखोगे 6 × 1.6 × 10⁻¹⁹, ऐसा लिखोगे आप। इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, तो इसका माइनस हो जाएगा 4 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ऐसे ही लिखोगे ना, जो आंसर है वो लिख दोगे। बट सबसे बेटर है क्या करो आप, कि 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज 6 प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रल खत्म कर देगा, तो बचेगा कितना, 2 प्रोटॉन ही तो बचेंगे, तो इस पे अब पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, तो आंसर है 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹, क्यों, क्योंकि इस पे 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है 4 इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। तो ये था इसका पॉजिटिव चार्ज। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे कि अगर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन हायर हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन किससे हायर हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वो बॉडी हो जाती है पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्व हो जाती है। और ऐसे ही क्या चीज हो, 6 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, नेगेटिवली चार्ज इसका मतलब उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में ज्यादा होंगे। और जो न्यूट्रल है उस न्यूट्रल सेम होने चाहिए, 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, 4 प्रोटॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, क्योंकि इसमें नेट चार्ज नहीं होना चाहिए। इस पर नेट चार्ज कैसा बच रहा है, प्लस का, इस पर नेट चार्ज माइनस का, और इस पर नेट चार्ज बच ही नहीं रहा तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, बेटर बोले तो क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो 3 किसके बेस पर, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम कई तरीके से करते हैं, जैसे सेमी कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है और कंडक्टर होता है। ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसी और बेस पे, वो है कंडक्टिविटी के बेस पे। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किसके बेस पर है, तो वो बेस है नेट चार्ज के बेस पे, कि अगर नेट चार्ज प्लस का बचता है तो वो जाएगा पॉजिटिवली, माइनस का बचता है तो नेगेटिवली, कुछ नहीं बचता है जीरो बचेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अब कुछ और पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब वो जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। कई बार डेफिनेशन गलत रीड कर लिया जाता है, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ऑर्थोटिकल की बात करने वाले, ठीक है, देखते हैं एक बार। चलिए देखते हैं, अब पहला है एक चार्ज, ध्यान रखना नेट चार्ज, कौन सा चार्ज, हम नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, और है मास। इन दोनों वर्ड की बात करें ना कि चार्ज और मास में क्या सिमिलरिटी है और क्या अलग है, और इसकी अगर डेफिनेशन फॉर्म किया जाए तो क्या करने वाले हो आप, ठीक है। देखो आप
अगर आप किसी भी एटम की बात करते हो, किसी भी मटेरियल की बात करते हो, एक मैटर की बात कर लेते हैं, एक वर्ड है मैटर, क्या जानते हो मैटर क्या होता है? आई थिंक पढ़ने वाले जानते होंगे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं और जिन्होंने सीरियसली स्टडी की है 11th में। तो मैटर जो होता है वो मटेरियल को कहते हैं, क्या कहते हैं? मटेरियल, जिसके पास मास हो, मटेरियल, मैटर। तो मैटर मटेरियल ही है, ठीक है। अब ये मैटर जो है ना, ये मैटर के दो प्रॉपर्टीज खास होती है, एक है चार्ज और एक है मास। इस मैटर में दो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। एक है, दो एलिमेंट होते हैं, दो टर्म होते हैं, एक है चार्ज और एक है मास। श्योर? जैसे कि आपने एक आयरन का पीस लिया, ये मैंने आयरन का पीस ले लिया, तो ये आयरन का जो पीस बना होगा क्या वो Fe के एटम के रिपीटिशन से बना होगा क्या? हाँ या ना? यस? ज़्यादा पूरा नहीं बनाऊंगा, टाइम लग जाएगा इसमें। तो मुझे बताओ आप, क्या ये आयरन के पीस से बना होगा क्या? आयरन का जो पीस है वो एटम से बना होगा, किसके आयरन से? किसके एटम से? आयरन के, Fe के एटम से बना होगा। तो उस एटम में क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? यस, सभी एटम में होते हैं। तो क्या उसमें मास है या नहीं है? तो ये जो आयरन का पीस है वो मैटर, कि हम आयरन के मैटर की बात कर रहे हैं, क्या उसमें मास है? तो कोई भी पीस है उसमें मास तो होना ही है, एटम होगा, और एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, उसके भी मास होते हैं। श्योर? तो एटम का जो अंदर का जो मास है वो किसके, उसके एलिमेंट से बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बहुत सारे पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसकी बात हम जानते ही नहीं अभी, और हम बात मैं करूंगा अभी नहीं फिलहाल, ठीक है। तो इसके अंदर मैटर है, ये मैंने बोल लिया मैटर है। अब मैटर के अंदर जो ये मैटर है, जो आयरन पीस ले रहे हो, उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटो एटम है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटोन पे चार्ज होता है, तो उसके अंदर चार्ज भी है और मास तो है ही, तो मास भी है। तो किसी भी मैटर की दो प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी होती है, उसके अंदर मास होता है, उसके अंदर चार्ज होता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो कोई भी पीस ले लिया आपने, आपने नोटबुक ले लिया, आपने पेन ले लिया, आपने मार्कर ले लिया, ठीक है, आप कोई सा भी आयरन पीस ले रहे हो, कोई भी पीस ले रहे हो, वो एटम से तो बना ही होगा, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते ही है, और बहुत सारे सब एटॉमिक, 100-200 से भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिसकी हम बात नहीं जाते। ग्रेविटोन होता है, ठीक है ना, और गॉड पार्टिकल होते हैं, और बहुत सारे पार्टिकल हैं जिसकी बात फिलहाल नहीं कर सकते हम। क्वैक्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फिलहाल हम, और जिसकी बात हम अभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी मैटर ले रहे हो, मटेरियल ले रहे हो, उसमें दो चीज़ आपको मिलेंगे, और वो दोनों चीज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण ही मिल रहे हैं हमें। तो किसी भी मटेरियल में, किसी भी मैटर में दो चीज़ होती है, मास और चार्ज। समझ में आया? तो मास और चार्ज क्या उस मैटर में खुद ही है या बाहर से मिली है? तो आंसर वो खुद ही है। इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। तो किसी भी मैटर का चार्ज और मास इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? इनहेरेंट। समझ में आया या नहीं आया? ओके, तो मैटर में जो ये मास है और ये जो चार्ज है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज है बच्चों? वो प्रॉपर्टीज है इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब जो से खुद की प्रॉपर्टीज हो वो इनहेरेंट होती है, अगर आप बाहर से देते हो तो वो अलग है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, जैसे ये मोबाइल है मेरे पास, राइट ना? अब इस मोबाइल की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस मोबाइल में देखो, इसके अंदर जो टर्म है, जैसे कि इसका जो कोडिंग वाले सिस्टम होंगे, या इसकी सिम जो है, ठीक है, इसका ट्रांजिस्टर अंदर जो होगा, इसके अंदर जो भी है, ये मोबाइल का इनहेरेंट है। बट अगर मैं इसको कवर लगा दूँ, तो ये बाहर से मैंने लगाया है, तो वो इनहेरेंट नहीं है। तो इनहेरेंट का मतलब उसकी सेल्फ की प्रॉपर्टीज जो है वो इनहेरेंट है। तो कोई भी मैटर बनेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होना नेसेसरी है, अगर वो होगा तो मास भी होगा और चार्ज भी होगा, तो दोनों ही इनहेरेंट प्रॉपर्टीज किसकी है? मैटर की है, ठीक है। बट अब एक वर्ड आता है कि क्या मास विदाउट चार्ज हो सकता है, और क्या चार्ज विदाउट मास हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं। तो फिलहाल अगर नहीं भी करें तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल मैं पॉइंट समझाना चाहता हूँ, वो ये है, कई बार जनरल डेफिनेशन पूछ ली जाए व्हाट इज द चार्ज, तो आप क्या बोलोगे? चार्ज इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया? श्योर आया है क्या? ओके, तो दो चीज समझ में आ गए बच्चों। अब एक क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट होता है और जनरली पूछ लिया जाता है कि जो मास है ना वो विदाउट नेट चार्ज हो सकता है, बट नेट चार्ज विदाउट मास नहीं हो सकता। आप इसको सोचना कभी, मैं अभी फिलहाल इस पॉइंट पे बात नहीं करूंगा। अगर हो तो आप इजीली समझ सकते हो आंसर, मैं पहले दे चुका हूँ। नेट चार्ज का मतलब जितने प्लस है उतने ही माइनस होता है। चलो एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ, मैं ये कार्बन का एटम है, ये कार्बन का पीस है, और कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्रोटोन सेम होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन सेम है तो नेट चार्ज कितना है? जीरो। बट क्या उसमें मास है या नहीं है? यस, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन है तो मास तो है, बट नेट चार्ज कितना हुआ? तो नेट चार्ज तो जीरो हुआ कार्बन, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटोन। तो मास है बट नेट चार्ज नहीं है। तो यही बोलते हैं कि मास हो सकता है विदाउट नेट चार्ज, बट अगर नेट चार्ज है मतलब या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या प्रोटोन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन तो है ना। अगर प्रोटोन ज्यादा हो गया तो पॉजिटिवली हो गया, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो नेगेटिवली हो गया। तो नेट चार्ज होगा कब? होगा जब इलेक्ट्रॉन प्रोटोन होगा तभी। तो नेट चार्ज होगा तभी जब मास होगा, बट मास होगा इसके लिए जरूरी नहीं है कि नेट चार्ज हो। तो आप इसको थोड़ा, आप कहीं तो कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आप लोग सोचना, कभी और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ये हमारा बेटो, ये जो हमारा लेक्चर था वो था लेक्चर नंबर 2 था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा था, ठीक है। अब जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 3 करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, छोटे लेक्चर में बता रहा हूँ मैं आपको। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस चैप्टर में मास और मैटर के बारे में समझ में आया होगा कि मास, नेट चार्ज क्या है और चार्ज क्या है। तो ध्यान रखना कि चार्ज और नेट चार्ज की बात क्या होती है। नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की पहली बात करेंगे। हाउ टू, कई सारे बुक में आपके पहले आ जाते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस द चार्ज, चार्ज को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। बट मैं यहाँ पर जो बात करूँगा वो बात करने वाला हूँ कि पहले हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उसके बाद नेट चार्ज की हम बात करने वाले हैं।